इस वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स जो जाम हो चुका है, जो इसके अंदर लगा हुआ है, तो उसको हटा करके नया वाला लगाएंगे। नया वाला साथ में लेकर के आए हैं, सेम टू सेम यही चीज लगा हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले तो इसका पल्सीटर ही खोलना होगा, क्योंकि गियर बॉक्स चेंज करना है तो गियर बॉक्स में ही सेट रहता है पल्सीटर। ये सब स्क्रू को भी खोलना पड़ेगा, इसलिए खोलेंगे क्योंकि गियर बॉक्स का चौड़ाई जो बहुत ज्यादा है, अंदर से स्पेस कम है निकलने के लिए, इसीलिए लगा के निकाल लेंगे। इसके अंदर तो बराबर वाला स्क्रू ड्राइवर भी नहीं लग पा रहा है, इसलिए लट्टू पेचकस से खोलेंगे गियर बॉक्स को। गियर बॉक्स के साथ एक रबर भी आता है, ये नया वाला रबर लगा दिए हैं, पुराना वाला जो है निकाल लिए, ये वाला पुराना वाला था। चलिए भैया, इसके अंदर गियर बॉक्स जो फिट कर चुके हैं, ये ठीक हो चुका है।